जिंदगी है बड़ी हसीन, हर अदा इसकी रंगीन। जिंदगी है बड़ी हसीन, हर अदा इसकी रंगीन। है कभी खुशियों का मेला, कभी बने झंझट झमेला। लगे कभी ये मिक्स तीखा, कभी लगे रस खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, 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 खट्टा मीठा। दोस्तों एक बात मैं कह सकता हूँ खाकर इस धनिये की सौगंध कि मछली और मेहमान घर में अगर 3 दिन से ज्यादा ठहर जाएं तो देने लगते हैं दुर्गंध। ऐसे मेहमान होते हैं बड़े विचित्र, लेकिन यहाँ तो मामला और भी आगे है पवित्र, क्योंकि वो 3 दिन भी नहीं रुके, सिर्फ 2 दिन रुके, और जिसके यहाँ रुके उसके मेहमान बन गए, उसके चारों ओर कनात की तरह तन गए। क्या दे गए, क्या ले गए, लेकिन उधर पूर्ति, स्वार्थ पूर्ति था उनका लक्ष्य, कोई अंतर नहीं क्या भक्ष्य क्या अभक्ष्य। तो देखिए विचित्र मेहमान। आहा, क्या घनघोर बरसात थी। चलो मां भगवती कृपा से बंद तो हुई। ए, कौन है? दरवान बाबू, हम विनोद शर्मा, प्रोफेसर विनोद शर्मा के रिश्तेदार हैं, उनसे भेंट करना चाहते हैं। मगर सुप्रिंटेंडेंट साहब तो सोए हैं। अरे नहीं, जाकर कहिएगा तो प्रोफेसर बाबू आप ही में बिगड़ेंगे, कह देते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग यही रहिए, मैं देख कर आता हूँ। हाँ बाबू। साहब सो रहे हैं। कहा साहब, बहुत कहा, मगर कहने लगे साहब से जाकर कह दो, नहीं तो साहब तुम पर बहुत नाराज होंगे। अच्छा जाओ ले आओ। जी साहब। बाबू, दरबान बाबू अभी तक नहीं आए। बहुत जल्दी मचाते हो तुम, जल्दी बहुत। चलिए साहब ने आपको बुलाया है। मेरा भाई के साडू का फुफेरा भाई, और ये हमारे मसेरा भाई ब्रजेंद्रनाथ, और वो है दिगंबरनाथ सर बेटा, और ये हमारा पुत्र गजेंद्रनाथ। एक गजेंद्र प्रणाम करता। जास्ती तो नहीं लग गया? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है के हम गया जी पिंड दान करने जा रहे थे तो ट्रेन छूट गया, तो हमको याद लग गया कि महाविद्यालय के प्रोफेसर बाबू तो हमारे रिश्तेदार हैं और सुपरिटेंडेंट भी हैं, तो हम कहे थे मिलने चलते हैं, भेंट मुलाकात हो जाएगी। साहब
क्या ये आपके कमरे में सो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, हमारे कमरे में नहीं, इनको हमारे ऑफिस में ठहरा दो। आइए आइए चलिए आइए 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 जाइए। राम जी की जय हो। अरे बारिश को भी आ जाए, आना था भाई। दरबान बाबू कहो साहिब, हमारे सोने के लिए बिछावन निछावन का इंतजाम हो गया है। अरे ये का है, ये दरी तुम्हारा सोने का बिछावन है? अरे सोने के लिए कह रहे हैं। अरे हम भी तो सोने के लिए कह रहे हैं। तो यही है तुम्हारा बिछावन? हम यहाँ सोएंगे। देख देखो तो बाबू बोलता है बाबू ये बिछावन न तकिया न ओढ़न, हम यही सोएंगे। तुम प्रोफेसर साहब को बुलाओ, वही हमारे बिछावन का इंतजाम करते। चिंता नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से हैं? सही है, अब आराम कीजिए, कल सुबह आप लोगों से बातचीत होगी। आपने भोजन विजन कर लिया क्या? आप लोगों ने अभी भोजन नहीं किया? वो क्या कहते हैं कि कोनो चिंता का विषय नहीं है, ये तीन लोग तो जलपान कर लेंगे, मुझे अभी भूख नहीं है। तो हम सोच रहे थे एक ही बार में इकट्ठा खाना खा लेंगे हम साहब। ठीक है ठीक है, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। राम दहन जरा कैंटीन चलिए। बाबू देखो राम टहल, कुछ है खाने के लिए इन लोगों के लिए? हाँ है साहब, ये कुछ रोटियां और कुछ ये दाल बची है साहब। ठीक है, यही लेकर चलो। हाँ ठीक आओ। वो तकलीफ करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो खाना खाने के लिए हम खुद ही आ गया है, देखें तो कुछ है का? अरे भाई जी आ जाइए आ जाइए, रोटी भी है दाल भी है बाबू भी है। हाँ। पनीर खाओ। अरे पनीर है का? ये पनीर। अरे स्वादिष्ट है भैया। बाबू बहुत बढ़िया। खाओ 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 खाओ, बढ़िया नहीं बाबू, आज तो हमने जी भर के दूध पिया। अरे गजब, बहुत स्वादिष्ट। वो अब तो आप लोगों ने भोजन कर लिया ना? हाँ खा लिया साहब। अब आप आराम से सोइए, कल सुबह बात होगी आपसे। जय राम जी की जय। कहिए क्या बात है? लगता है हमारे कमरे का बल्ब जो है ना वो फ्यूज हो गया है, तो आपके पास कोनो टॉर्च बेच नहीं रहा है? टॉर्च? आपने क्या पढ़ाई करनी है? नहीं वो ओ, कहा था ज्यादा मत खाओ, जाओ पास में चले जाओ, जल्दी जाइए जल्दी जाइए, चलिए चलिए। ओ प्रोफेसर बाबू, ओ कहिए अब क्या मुसीबत है? वो कहा है कि लॉटरी में हमको नहीं ना लगता है, मैदान में करने का आदत हो गया है। अच्छा ऐसा कीजिए, यहां से सीधे जाइए, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाइए और फिर सीधे जाइए, मैदान ही मैदान है, जाइए जाइए जल्दी जाइए। क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने भी ये। लगता है चारों सुबह गाड़ी से प्रस्थान कर गए। चलिए पिंडदान के यात्रियों से पिंड तो छूटा। चलो सुप्रीम साहब, अब ऑफिस चलते हैं।
साहब कहते हैं कि हम सूर्योदय से पहले ही जाने वाले थे, परंतु आपसे भेंट नहीं कर सके ना, और कहते हैं कि अब सो रहे थे। बृहस्पति का दिन और दक्षिण की यात्रा। राम 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 राम। अशुभ दिक्षु ना हो गया? अरे बहुत चालाक हो गया रे। महाराज जी। जी हुजूर। चार आदमियों के लिए खाना और बना दीजिए। क्या बना दूं हुजूर? चार नहीं रहे तो तीन ठो के लिए बनाइएगा। और दिगंबर का क्या कहते हैं, आज व्रत रहेगा ना, तो फिर और उसके लिए एक किलो रसगुल्ला और दो किलो दूध में साबूदाना का खीर बनवा दीजिएगा, और मीठा दही बहुत खुश हो गया खाता है। और आप तीनों क्या खाएंगे हुजूर? हम तीनों का क्या है, दाल भात चाटो तरकारी और देसी घी। हाँ, और दही मंगवा दीजिएगा। बाबू गठरी में नींबू है, सलाद तो बन ही जाएगा। बहुत चालाकी लड़का हो गया रे। प्रोफेसर बाबू। हाँ बोलिए। मांस पीस मंगवा दीजिएगा। क्या मांस? ओ, बर्बाद करना आपको अच्छा नहीं ना लगता है, इसलिए दो ही किलो मंगवाइएगा। क्या दो किलो? भैया भैया हमें बहुत भूख लगे है। तो क्या कच्ची तरकारी खा दिएगा? 10 मिनट में खाना पा जाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, अपना ही घर समझिए। भगवती की कृपा से प्रोफेसर बाबू को कोई कमी थोड़ी ही है, मासिक आय के अलावा ऊपर की कमाई आती होगी। देखिए भिवेंद्रनाथ जी, खाना आप लोगों को मिल जाएगा। महाराज जी जल्दी से चार आदमियों को खाना भेज दीजिए, जल्दी से बनाइए। चलिए आप लोग चलिए 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 ना पता नहीं कहां से आ गए। मांस बना दो, खीर बना दो, दही। पनीर ले लो, पनीर ताजा पनीर ले लो। नमस्कार हुजूर, नमस्कार। ये देखिए ताजा पनीर लाए हैं, ये देखिए चखिए, चखे देखिए आप। अरे वाह क्या पनीर है, देखते हैं कौन जगह हम लेके आए हैं, ऐसा ताजा पनीर कहाँ मिलेगा रे। हुजूर हुजूर हम तो लूट गए, हम तो लूट गए। खाइए खाइए जी भर के खाइए, खाते हैं कि पनीर को खाने से दिमाग और ठंडा रहा। हुजूर हम तो लूट गए, हम तो लूट गए, हम लूट गए हुजूर, हम तो लूट गए। बहुत बढ़िया। अरे प्रोफेसर साहब बहुत बढ़िया। अरे चिंता नहीं करो, आप तो दोबारा लेके आएंगे। बाबू प्रोफेसर साहब भी क्या हो, दुगना दे। अरे भैया राय को बहुत बढ़िया बढ़िया। ऐसा है कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं, खाना बहुत बढ़िया है। अरे फिर दान करने नहीं जाइएगा, जाते हैं। अरे भैया रायता बहुत अच्छे बना है। अरे खत्म हो गया, भात कहाँ रखे हुए हैं? भात और रखिए ना, होस्टल का सारा भात तो खा गया, अब और कहाँ से लाऊं? सर साहब बहुत अच्छे।
तेरा मेहमान। वाह सुब्रमण्यम साहब, अच्छे मेहमान बुलाए तुमने। हेलो, अब क्या चाहिए आपको? आज तो अजीर्ण भोजन हो गया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हम अपने ससुराल में कोनो दिन नहीं खाए। वो कहे के गजेंद्र जो है, गजेंद्र को क्या हो गया अब? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो जास्ती खा लेने से मन खराब हो गया ना। तो बहुत अंतर है खराब हो गई है। आप जाकर भैया को बुला दो। बाबू को बुला दो। तुमसे कहे नहीं थे इतना मत खाओ? हम अभी भैया को बुला के लाते हैं। ठीक हो जाएगा बाबा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? वो जाने दीजिए। ऐसा है, गजेंद्र की माए ने ये खटमिटी भेजा है तुम्हारे लिए। मार दीजिए इसको, मार दीजिए। भैया जी, काहे चिल्लाते हो? गजेंद्र का तबीयत खराब हो गया है। खराब हो गया है? हाँ, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अरे प्रोफेसर बाबू, आप जरा चलिए ना, तनिक हमारे साथ आइए। चलिए जी, चलिए आ जाइए। कितना तबीयत खराब हो गया? बाबू नहीं आए। अरे भीमेंद्र, इसको थोड़ी सी हरारत है, तुम लोग बेकार परेशान हो रहे हो। बेकार परेशान करते हैं आप? मैं भी प्रोफेसर बाबू यही कहता हूँ, जोर नहीं हरारत है, इसीलिए इसे समझाया है बिटुआ। रात के खाने में सब उदाना का खीर खाना, और दिगंबर बाबू को तो बस पूरी के साथ मीठी दही मिल जाएगी, और मैं और ब्रजेंद्र जो घर में बना होगा सो खा लेंगे। अरे तुम लोगों को खाने पीने के अलावा कुछ और सोचता है? ठीक है, मैं महाराज से कह देता हूँ, तुम लोगों को खाने का इंतजाम कर दे। अरे प्रोफेसर बाबू, गुस्सा काहे करते हो भाई? अरे गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। गजेंद्र, गजेंद्र, अरे बाबू, साबुदाने की खीर खाएगा? दुई कटोरे बाबू, दुई कटोरे। अब पेट का तो ठीक होएगा बाबा। भैया, इसमें तो धार ही नहीं है। देखे तो धार लग गई क्या? धार तो रही है। तो इसका मतलब ये सेवई नकली है? हम तो समझे थे कि असली होगा। सेवई नकली है? और जैसे प्रोफेसर बाबू के ममेरे भाई के साड़ू के फुफेरा भाई मैं हूँ। पैको सुसरो को। अरे तुम चिंता नहीं करो रे, प्रोफेसर बाबू से बोल के 2 किलो असली सेब मंगवा दूंगा रे। अंगूर भी बोल दीजिएगा उनको। अंगूर खाइएगा। प्रोफेसर बाबू सुन रहे? कहिए कैसे आना हो गया, इतनी रात गए? अब कहते हैं कि हम तुम्हारे आओ भगत से तो गदगद हो गया। क्यों रे दिगंबर? भैया इतना स्वादिष्ट भोजन मिला कि आप तक ससुराल में नहीं मिला। वो क्या है कि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले तो हम विदा हो जाएंगे, तो आप तो सोते रहिएगा, दरवाजा बंद रहेगा, तो हम सोचे कि भेंट ही करते चलते हैं। तो हमारे लिए क्या आदेश है? बस हमारे जाने का व्यवस्था करवा दीजिए। तो सुबह आराम टहल से कह दीजिए, वो गेट खोल देगा। ठीक है। और कहते हैं कि कुछ रुपया पैसा घट गया है हम पे, तो हम कहे कि प्रोफेसर बाबू के यहाँ जा रहे हैं, अपने ही आदमी हैं, उनसे कुछ ले लेंगे। वो क्या है कि गया जी में पांडा लोग पिंड दान के लिए बहुत पैसा मांगता है। कुछ ज्यादा ही मिल जाए तो अच्छा होगा। कितने पैसे चाहिए आपको? अरे पिंड दान के लिए जितना खर्च करो उतना कम है ना।
आप ऐसा कीजिए 200 रुपया दे दीजिए। ये लीजिए 200 रुपए। क्या है कि इस बार जब सोनपुर के मेले में हाथी बेचेंगे तो आपका सारा पैसा लौटा देंगे। ओ गजेंद्र की माँ कह रही थी छठ में हमारे घर जरूर पधारिएगा। हाँ हाँ हम जरूर पधारेंगे। राम राम। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चल दिगंबर चलो भैया चलो। ओफो, जाते जाते भी 200 रुपए का चूना लगा ही गए। इसका टाइपराइटर गायब, टेबल लैंप भी गायब, अरे टेलीफोन भी गायब। ओफो, अरे ये तो मेरे ऑफिस की दरी भी ले गए। हे भगवान। ओफो साहेब, क्या है राम बहन? आनंद के बल्ब भी गायब है। क्या कहा? आनंद के बल्ब भी ले गए? हे भगवान, ये कैसे मेहमान थे मेरे। ओफो, ये थी विचित्र मेहमानों की बात। समेट के ले गए सारी सौगात। रो रहा था मेजबान क्योंकि गायब था सारा सामान। अब दोस्तों कहानी आपने सुन ली। अब आपको है इस कहानी के आगे की कल्पना की रस्सी बटनी और हमको है बनानी धनिये की चटनी। इसलिए आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। कभी खुशियों का मेला, कभी बने झंझट झमेला, लगे कभी ये मिक्स तीखा, कभी लगे रस खट्टा मीठा, 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 खट्टा मीठा।